की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। खबर खटीमा उधम सिंह नगर से है। नानकमत्ता विधानसभा के झनकट मंडल महामंत्री रोशन ने पूर्व मंडल अध्यक्ष पर किया तलवार से जानलेवा हमला। वारदात के समय विधायक नानकमत्ता सहित तमाम भाजपा नेता रहे मौजूद। किसी विषय पर हुए विवाद पर किया गया जानलेवा हमला। पीड़ित मंडल अध्यक्ष का नागरिक अस्पताल में चल रहा है इलाज। आरोपी मंडल महामंत्री मौके से हुआ फरार। आप देख रहे हैं खटीमा से मोहम्मद उस्मान अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। चार बेटा नहर पार लोहे की दुकान का उद्घाटन था टेढ़ा घाट में, तो वहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे तो कुछ दुकान को लेकर चर्चा चल रही थी। उसी चर्चा के दौरान जो है रोशन सिंह जो भारतीय जनता पार्टी झनकट मंडल का महामंत्री है, उन्हें बोला यार तुमको मैं देख लूँगा। मैं कहा यार क्या देखा तो देख लेना। वो वहाँ से चुपके से निकला, पता नहीं किसी को बोल रहा था, बोला कि मैं गाड़ी बल्दी करके लाता हूँ। गया चार पांच आदमी को लेके तलवार लेके आया। जानलेवा हमला भी तो मैं मर जाता, आपके सामने होता ही नहीं। वो तो मैंने जब देखा वो तलवार लेके जैसे वार कर रहा था, उधर कुर्सियाँ पड़ी थी जिसमें बैठा था, मैंने खड़ी खड़ी कुर्सी के टुकड़े टुकड़े हुए और तलवार जो है ये मेरे पर है। वो वहाँ पर नंदन सिंह कलायत, ललित बिष्ट, दिनेश मंगला, रमेश जोशी और माननीय विधायक जी तमाम कार्यकर्ता थे वहाँ पर। तो इस तरह दंगे तहरीर दंगे ये जान राम सिंह सावल नाम के एक व्यक्ति और सभी जो कि 65 साल के हैं, 11:40 पर स्थान में हैं। इनको बाएं हाथ में गंभीर चोटें लगी हुई हैं, जिसमें इनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये तलवार से। अभी हम एक्सरे करा रहे हैं, फिर